How are you all? Okay, great. So, today I'm going to tell you a story. Yes, आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, ओके? So, किसको किसको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल आपकी तरह, yes. So, आज हम कौन सी स्टोरी सुनने वाले हैं, मतलब मैं आपको आज कौन सी स्टोरी सुना रही हूँ? द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. यस, मैं आपको लोमड़ी और अंगूर की कहानी सुनाने वाली हूँ. फॉक्स मीन्स लोमड़ी और ग्रेप मीन्स अंगूर. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. ओके, सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट. लुक, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर. Once upon a time, a hot-tired fox stopped to rest in a beautiful garden. एक बार की बात है, गर्मी में एक बहुत गर्मी गर्म हुआ और थका हुआ लोमड़ी एक ब्यूटीफुल गार्डन में, यानी बहुत सुंदर बगीचे में, ब्यूटीफुल मीन सुंदर, गार्डन मीन बगीचा, बहुत सुंदर बगीचे में आराम करने के लिए बैठता है, रेस्ट मीन होता है आराम करना, ठीक है. Above his head he saw some grapes that grew on a branch. फिर एवब ही जेड, उसने अपने हेड यानी सर के ऊपर ही शास सम ग्रेप्स, उसने कुछ अंगूर देखा. दैट ग्रू ऑन अ ब्रांच, जो एक ब्रांच की शाखा पे बड़े हुए थे, यानी उसने अपने सर के ऊपर एक शाखा पे, ब्रांच में शाखा, एक शाखा पे कुछ बड़े अंगूरों को देखा. दोज ग्रेप्स लुक डिलीशियस ही सेड, उसने कहा. Those grapes look delicious. वो अंगूर बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं. किसने कहा? लोमड़ी ने कहा, ये अंगूर बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं. यम्मी, ऐसे कहा, ठीक है. फिर क्या होता है, देखो. The fox wanted to eat them. Fox उन्हें खाना चाहता है. हाँ, अंगूर देख के वो कहता है, अरे अंगूर तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, यम्मी है. और क्या, वो खाना चाहता है अंगूर को, ठीक है. अब देखो, The fox tried to reach to grapes, but they were very high. जो fox है, यानी कि जो लोमड़ी है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि उसको अंगूर मिले, लेकिन वो नहीं मिल पा रही. क्यों? क्योंकि वो ऊँचे हैं, पेड़ की शाखा पे है ना, पेड़ पे है ना शाखा पे, तो वो थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तो वो उन्हें मिल नहीं पा रहा. फिर क्या होता है, The fox jumped high into the air, but he could not jump high enough. जो फॉक्स है ना, वो बहुत हाई मीन्स ऊंचा, बहुत ऊंचा हवा में क्या होता है, छलांग मारता है यानी जंप करता है, लेकिन फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, वो उतना ऊपर जंप नहीं कर पाता है. ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की, ठीक है, उसने क्या की, बार बार कोशिश की. यस, अगेन एंड अगेन अंटिल ही वॉज टू टायर्ड टू जम्प एनी मोर, उसने बार बार कोशिश की. कब तक कोशिश की? उसने तब तक कोशिश की जब तक क्या, वो थक नहीं गया, ठीक है. टायर्ड मतलब होते, देखो हमें यहाँ पे दो टायर्ड स्पेलिंग वर्ड मीनिंग मिली है. एक है टी आर आई ई डी, ये टायर्ड का मतलब होता है, पता है क्या, इसका मतलब होता है प्रयास करना, यानी कोशिश करना, ट्राई, हाँ, तो मतलब कोशिश करना. और ये टी आई आर ई डी, ये टायर्ड का मतलब होता है थकना, ठीक है. तो जो फॉक्स है, वो कब तक जंप किया, उसने तब तक जंप किया जब तक वो पूरी तरीके से थक नहीं गया, ठीक है. फिर वो क्या होता है, थक जाता है. द ग्रेप्स वर टू हाई एंड द फॉक्स कुड नॉट रीच देम, जो अंगूर है वो क्या है, बहुत ऊपर है, और जो फॉक्स है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है. The angry fox left the garden saying, जो fox है उसको क्या होता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, और वो गुस्से में गार्डन से जाते हुए क्या कहता है, I am sure those grapes are sour, मुझे पता है वो अंगूर खट्टे हैं. वो जाते जाते क्या कहता है, मुझे पता है वो अंगूर खट्टे हैं. Yes, चलिए मैं अब आपको एक बार और फिर से सुनाती हूँ. एक बार की बात है कि एक लोमड़ी होता है, एक फॉक्स होता है, जो गर्मी में एकदम थक जाता है, और वो एक ब्यूटीफुल से गार्डन में रेस्ट करने के लिए बैठता है. फिर वो देखता है कि उसके सर के ऊपर एक शाखा है यानी ब्रांच है, जिसमें कुछ ग्रेप्स हुए हैं. फिर वो क्या कहता है, उन्हें देख के वो कहता है, ये अंगूर बहुत, ये ग्रेप्स बहुत क्या दिख रहे हैं, यम्मी यानी टेस्टी और डिलीशियस दिख रहे हैं.
और फिर वो उन्हें खाना चाहता है। फिर क्या होता है कि वो उन ग्रेप्स तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा जंप करता है, लेकिन वो क्या है, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे रहते हैं। और जो फॉक्स है वो बहुत ऊंची हवा में जंप तो करता है, लेकिन फिर भी वो ग्रेप्स तक पहुंच नहीं पाता है। वो बार 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 कोशिश करता है जंप करके उन ग्रेप्स तक पहुंचने की, पर वो नहीं पहुंच पाता है। और वो तब तक जंप करता है जब तक कि वो पूरी तरीके से थक नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, अंगूर इतने ऊपर है, इतने ऊंचे हैं ग्रेप्स की उसे नहीं मिल पाते हैं। तो वो जो फॉक्स एकदम गुस्से में आ जाता है और वो कहाँ गार्डन से बाहर जाते हुए कहता है, गार्डन से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है वो अंगूर खट्टे हैं। ओके, तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कोई मुझे बताएगा। देखो, इस कहानी से ये सीख मिली ना कि जो फॉक्स है उसे अंगूर, जब तक उसने अंगूर को पहली बार देखा तो उसने ये कहा कि अरे ये तो बहुत डिलीशियस दिख रहे हैं। फिर उसे अंगूर नहीं मिले, यानी उसे ग्रेप्स नहीं मिले, वो नहीं खा पाया, तो उसने ये कह दिया कि अरे अंगूर खट्टे हैं। इसका मतलब ये कि अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज खराब है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ड्रेस बहुत पसंद आया है, आप मार्केट जाते हो, कहीं जाते हो और आप बहुत पसंद आता है और आपको वो नहीं मिल पाता, तो आप उसको ये नहीं कह सकते ना कि वो ड्रेस तो अच्छी है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इससे ये सीख मिलती है कि जो चीज़ हमें ना मिले वो बुरी नहीं होती, उसे बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ओके, सो आपका सरप्राइज टेस्ट भी है आज। यस, सरप्राइज स्टोरी सुनी आपने, अब सरप्राइज टेस्ट भी है, तो आप टेस्ट भी दोगे। टेस्ट क्या है कि आपको मैं क्वेश्चन करूँगी वो इसी स्टोरी से करूँगी, ठीक है। आपने स्टोरी अच्छे से सुन तो लिया ना, गुड। तो आपको देखिए क्या करना है, मार्क द वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड ट्रांसलेट, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, ये भी जो भी वर्ड्स है इन्हें क्या करना, मार्क करना। चलिए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। ये देखिए, मार्क द वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड ट्रांसलेट, आपको इन्हें मार्क करना है और इन्हें क्या करना है, ट्रांसलेट करना, यानी लर्न करके पढ़ना है। ऐसे ही लिखना है आपको, बिल्कुल बॉक्स बनाओगे, आप बॉक्स बना के ऐसे लिखोगे और उसको मार्क करोगे, ठीक है। यस, मार्क करोगे, यस। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, आपको ट्रू मतलब जो बात सही है उसमें टिक करना है, ठीक है। हाँ, जो भी जो फॉल्स है उसको क्रॉस करोगे। जैसे पहला है, द ग्रेप्स ग्रू इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, वो जो ग्रेप्स थे क्या वो एक सुंदर से गार्डन में थे, यस ट्रू है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसे टिक कर दोगे। अब है, द फॉक्स वेंट इन टू अ गार्डन, क्या फॉक्स एक गार्डन में गया था, यस ये भी क्या है, ट्रू है ना, तो आप इसको ट्रू करोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द फॉक्स रीच द ग्रेप्स, क्या फॉक्स ने ग्रेप्स पा लिया, नहीं इसमें क्या है कि फॉक्स ने, ये है थर्ड, द फॉक्स रीच द ग्रेप्स, फॉक्स ने ग्रेप्स पा लिया, नहीं पाया था ना, तब तो ये फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हुआ तो हम फॉल्स वाले बॉक्स में क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यस, तो ऐसे कर करके आपको ये करना है, ट्रू फॉल्स है। उसके बाद है, द फॉक्स जंप वेरी हाई, फॉक्स बहुत ऊंचा जंप करा, यस ये ट्रू है। द फॉक्स वॉज वेरी हैप्पी, क्या फॉक्स बहुत खुश था, बिल्कुल नहीं, वो गुस्सा हो गया था। द फॉक्स वॉज हॉट एंड टायर्ड, क्या वो थका थका हुआ और गर्म था, यस बिल्कुल सही है। द ग्रेप्स वॉज सॉर, क्या अंगूर खट्टे थे, नहीं, ओके। पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, अब आपको ये करना है कि ये जो स्टोरी आपके सामने है, ये जो आप स्टोरी देख रहे हो, राइट, आपको क्या करना है ना कि आपको इसमें से देखना है एकदम लाइन बाय लाइन देख के, और ये जो वर्ड्स हैं इसको एक ऑर्डर में, मतलब इसको एक क्रम में रखना है। वॉन्टेड द फॉक्स द ग्रेप्स टू ईट, इसको आप कैसे रखोगे, इसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया है द फॉक्स वॉन्टेड टू ईट देम, ये है प्रॉपर ऑर्डर, और यहाँ पे आगे पीछे करके ऐसे दे दिया, इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और प्लीज़ अपने रुद्रांश रिद्धि, आप सब प्लीज़ अपने अपने होमवर्क मुझे अच्छे से टाइम टू टाइम सेंड किया करिए, ओके ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, आप सबने इतने अच्छे से स्टोरी सुनी और समझा,
आप भी हमेशा याद रखना कि हमें कभी भी अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे थोड़ी हो गए, वो तो नहीं मिले क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, राइट? यस, सो इन टुडे क्लास दैट्स इनफ फॉर अस। आई होप यू आर डूइंग सो वेल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके ओके, थैंक यू क्लास।